रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। तो वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी गर्मी के हवाले से कि गर्मी में आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, ऑयली ऑयली होती है, चिकनी होती है, पसीने हमारी स्किन पर इतने आ रहे होते हैं कि हम बस बोलते हैं कि ये जो है ना हमारी स्किन कैसे सही होगी, इसका क्या हल है, हम क्या करें, हम मतलब बहुत टेंस में होते हैं। और आज मैं आपकी ये टेंशन चुटकियों में दूर कर दूँगी। तो व्यूवर्स, अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो ज़रूर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये आप लोग मेरे हाथ में तो काफ़ी देर से देख रहे होंगे कि मैं क्या लेके बैठी हुई हूँ, क्या चीज़ है ये। तो ये है स्किन लोशन स्प्रिंग सॉन्ग ऑयल कंट्रोल, आपको दिख रहा है स्किन लोशन स्प्रिंग सॉन्ग, यानी कि ये गर्मियों के लिए मतलब काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो जो है ना, जैसे पहले इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता देती हूँ, और लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हैं मार्लेक्स कंपनी का है ऑयल कंट्रोल और ये थाईलैंड का है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो है ना इसमें कॉपी भी आ जाती है, तो जो है ना फिर वो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता, ओरिजिनल का अच्छा होता है। देखें इसके लिखा हुआ डायरेक्शन फॉर यूज़ अप्लाई एज अ फाउंडेशन ऑफ फॉर फेस मेकअप, यानी ये फाउंडेशन का ही थोड़ा बहुत रिज़ल्ट देता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देता, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा बहुत इसका रिज़ल्ट होता है फाउंडेशन जैसे, ताकि आपकी स्किन पे ऑयल ना आए। ऑयल को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है ये, देखें। और इस पर बाकायदा लिखा हुआ भी है कि मटेरियल ऑफ थाईलैंड, ठीक है व्यूवर्स, हाई क्लास कॉस्मेटिक गुड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका तरीक़ाकार बता देती हूँ। तो पहले हमने फेस वॉश करना है, अच्छे से बिल्कुल फेस वॉश कर लें, क्लियर कर लें अपनी स्किन, फिर आपको टॉवल से लाइट लाइट, मतलब बाज़ लोग ना चेहरे को बहुत रगड़ रगड़ के जो है ना साफ़ करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। फिर वॉश कर फेस को साफ़ करने के बाद फिर जो है ना आपको ये अप्लाई करना है, मतलब थोड़ा सा होता है लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, ऐसा नहीं कि जो है ना काफ़ी वैसा हो, ये आप देख सकते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर आप इसको फेस पे अप्लाई करें और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ऑयल नहीं आता। इसके ऊपर आप फेस पाउडर लगा लें, कुछ भी लगा लें, तो ऑयल कंट्रोल है ये। बाज़ ऐसे होते हैं उसकी खुशबू भी अच्छी नहीं होती, तो ना स्मेल से इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं ना ये जैस्मिन के फूल बने हुए हैं, तो वैसी ही खुशबू है, मतलब ताज़गी देती है, चेहरे पे लगाओ निखरा निखरा ताज़ा ताज़ा चेहरा हो जाता है, चमकदार सा लगने लगता है। और अब सबसे बड़ी बात, ऑयल नहीं आता, चिकनी नहीं होती और ये हमारी स्किन पर बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है। तो आपको आप इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे पूरे चेहरे पे, तो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कौन सी चीज़ कैसी है, किस तरीके से यूज़ करनी है, क्या इसका तरीका है, ताकि आप लोगों को पता लगे, गलत तरीके से आप यूज़ ना कर लें, फिर मस्त टेंशन में ही रहते हैं कि हमने गलत तरीके से यूज़ कर ली, इसका तो ये रिज़ल्ट नहीं है, ये तो ख़राब है। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, और आपको उसके अलावा भी किसी और चीज़ की वीडियो बनवानी हो या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि इस चीज़ की आप ही वीडियो बता दें, मैं बता दूंगी, ठीक है व्यूवर्स। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाहु खैरा।